अगर आप लोग वीडियोस बनाते हो या वेबसाइट बनाते हो या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट करते हो जिसके अंदर आपको स्टॉक फुटेजेस की जरूरत पड़ती है, मतलब कि ऐसी इमेजेस जिस पर कॉपीराइट नहीं होता, ऐसी इमेजेस या ऐसे कंटेंट की या ऐसे वीडियोस की जरूरत पड़ती है, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट पर जाकर सर्च करना पड़ता था। मान लीजिए आपको एक माउंटेन की फोटो चाहिए, तो माउंटेन्स के लिए आपको अलग अलग वेबसाइट पर सर्च करोगे, वो उनमें से ढूंढोगे, तो ये काफी हैप्टिक वाला तरीका हो जाता है। लेकिन आज मैं आपके सामने बेस्ट स्टॉक फुटेज वेबसाइट लेके आया हूँ, मतलब इसके बाद आपको किसी और वेबसाइट पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा काम आपको यही वेबसाइट कर देगी। तो दोस्तों, इस वेबसाइट का नाम है everypixel.com। इस वेबसाइट ने बेसिकली करा क्या है, जितनी भी स्टॉक फुटेज की वेबसाइट थी, जैसे अनस्प्लैश हो गया, पिक्सावे हो गया, या फिर बहुत सारी जो वेबसाइट थी, इन्हें एक ही जगह लाके इकट्ठा कर दिया, मतलब इन्हें एक ही जगह इंडेक्स कर दिया। जैसे कि सर्च इंजन होता है ना, आपने गूगल पे सर्च करा, अलग अलग वेबसाइट से रिजल्ट आते हैं, तो इसी तरीके से इस वेबसाइट के ऊपर जब आप सर्च करेंगे, माउंटेन आपने सर्च करा, तो अलग अलग वेबसाइट से उठ के रिजल्ट आ जाएंगे। और इसके अंदर एक फिल्टर भी होता है, फ्री और पेड, तो इसका मतलब अगर आपको सिर्फ फ्री वाले चाहिए तो आप आसानी से वन क्लिक सारी इमेजेस को सेपरेट कर सकते हैं एक तरफ, मतलब वो सारी फ्री वाली आ जाएंगी, और दूसरी तरफ अगर आपको पेड चाहिए तो पेड पे भी क्लिक कर सकते हो, और आपको दोनों चाहिए वो तो ऑप्शन इसके अंदर है। और मैंने अभी रिसेंटली से पर्सनली यूज करना इस वेबसाइट को स्टार्ट करा है, क्योंकि पहले क्या होता था ना, मुझे अगर कोई इमेज चाहिए तो मुझे पिक्सावे पे भी जाना पड़ता था, अनस्प्लैश पे भी जाना पड़ता था, या और भी कई सारी वेबसाइट थी जिन पर मुझे जाकर सर्चेस करने पड़ते थे। हालांकि मैं फ्री इमेजेस यूज करता था, तो लेकिन फिर भी उन पे रिजल्ट अच्छे मिल जाते थे मुझे, बट जो ढूंढने वाला सर्चेस वाला पार्ट था ना, बहुत कठिन था। बट इस वेबसाइट everypixel.com के आने के बाद मेरा ये जो काम है बिल्कुल आसान हो गया है, और मैं कई बार यूज़ करा है तो बहुत विद इन मिनट्स मुझे अपना रिजल्ट मिल जाता है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इस वेबसाइट को कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो google.com पे आ जाना, गूगल पे आके आपको सर्च करना है everypixel.com। आप सर्च करेंगे तो ये इस तरीके से वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएंगे, यहाँ पर वेबसाइट जो गूगल पे आती है वो आ जाएगी। तो everypixel.com पे जाना है, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँ, तो वहाँ से भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। इस वेबसाइट पे आने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है। इंटरफेस बहुत सिंपल है, बहुत मिनिमलिस्टिक है, बस पेज यही है जो आपको दिख रहा है, इसका जो होम पेज है। तो यहाँ पर लिखा है स्टॉक इमेज सर्च इंजन पावर्ड बाय AI, तो मतलब ये AI का भी यूज़ करता है आपको इमेज के जो रिजल्ट होते हैं वो शो करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ फ्री पेड दोनों, मतलब इंक्लूडेड भी कर सकते हो, पेड ओनली भी कर सकते हो, और फ्री ओनली भी आप सर्च कर सकते हो। तो हम यहाँ पर कुछ सर्च करके देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने लिया माउंटेन, मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ। तो यहाँ पर इसने हमारे रिजल्ट शो करने स्टार्ट कर दिए, तो इसने इस तरीके से रिजल्ट शो कर रहे हैं। तो इसने अलग अलग वेबसाइट से ये जो रिजल्ट है पिक कर रहे हैं, जैसे ये EPX करके है एक वेबसाइट, ठीक है, और नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हो इसमें 20 पेजेस तक रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। और 20 पेजेस का मतलब ये मानिए कि हर पेज पे 100 150 या 200 के आसपास इमेजेस होंगी, तो आप 20 के हिसाब से लगा लिया, हजारों में इसने हमारे लिए इमेज जनरेट करके दिए, मतलब जनरेट नहीं बोलूंगा, इन्हें सर्च करके दिए। तो इस तरीके से जैसे कि मैं थर्ड पेज पे जाता हूं, तो एक बार इस पे भी रिजल्ट देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये काफ़ी सारे इसने अच्छे अच्छे रिजल्ट, मतलब माउंटेन से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस थी, जितनी भी सारी वेबसाइट्स पे थी उनमें से लाके इसने मेरे सामने रख दिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं फ्री एंड पेड वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होता है फ्री एंड पेड, इसमें ये सारी वेबसाइट से रिजल्ट उठाता है। अगर हम सिर्फ फ्री वाला करते हैं तो इसमें ये सारी जो वेबसाइट आपको शो कर रही है इनमें से रिजल्ट शो करता है, और इसमें से जैसे पिक्सावे काफ़ी फेमस है, अनस्प्लैश जैसे एक वेबसाइट है वो भी काफ़ी फेमस वेबसाइट है इसके अंदर, और जैसे कि आप और भी वेबसाइट देख सकते हो इसके अंदर, या तो इसी तरीके से काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स हैं ना, ये सारी पॉपुलर वेबसाइट है, इन पे से रिजल्ट उठा के देता है, जैसे pixel.com ये भी काफ़ी फेमस वेबसाइट है। और पेड की बात करें तो पेड पे ये इन वेबसाइट्स पे से इमेज उठा के देता है, जैसे कि सटर स्टॉक है, एडोब स्टॉक है, तो सबसे फेमस वेबसाइट्स है इंटरनेट पे अगर आपको पेड स्टॉक इमेजेस चाहिए। तो बाकी भी ये ऑप्शन यहाँ पर है, आप जब प्रीमियम में जाएंगे तो ये वाले ऑप्शन मिल जाते हैं, माइक्रो स्टॉक में भी ये सारी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बस मुझे फ्री वाले चाहिए थे, फ्री वाले पे भी हम चेक कर ले। जैसे हमने फ्री पे क्लिक करा तो इसने लगभग 6 लाख के आसपास इमेजेस हमारे सामने ला के रख दिए, और ये 22 इमेज सोर्सेज का यूज कर रहे हैं इन इमेज को हमारे सामने लाने के लिए अगर हम फ्री वाले पे जाते हैं। तो ये सारे रिजल्ट इसने हमारे सामने जनरेट करे। हालांकि दोस्तों एक बता दो, इस वेबसाइट में एक छोटा सा बग है कि कई बार जो इमेजेस होते हैं ऐसे ब्रेक से दिखती है, मतलब शो नहीं करती, बट अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज वहां पर शो करेगी। तो ये इसमें एक बग है, मे बी आने वाले टाइम में ये बग सही कर दे, ये फ्री इमेजेस के साथ बग है कि जैसे आपने क्लिक करा यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, बट क्लिक करने पे ये इस तरीके से इमेज ओपन हो जाती है। अब मान लीजिए मुझे ये वाली इमेज डाउनलोड करनी है, तो डाउनलोड के लिए सिंपल जैसे किस किस वेबसाइट पे ये अवेलेबल, जैसे पिक्सावे पे, पैक्सल या अनस्प्लैश, इन सारी वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल, तो मैं पिक्सावे से डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने इस पर क्लिक करा पिक्सावे पे, या जैसे पिक्सल पे करा, या किसी पे भी मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर गो टू डाउनलोड वाले पेज पे क्लिक करना जो यहाँ पर सिलेक्टेड होगा,
तो मैंने गो टू डाउनलोड पेज पर क्लिक कर दिया। तो इसके बाद इसने मुझे पिक्सावे पे भेज दिया और यहाँ पर मैं यहाँ पर वन क्लिक करके ये इमेज को डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरी इमेज ये जो डाउनलोड हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं ये मेरी इमेज मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर डाउनलोड हो गई। तो आप इसी तरीके से इस वेबसाइट के यूज़ करके कितनी भी सारी स्टॉक फुटेज डाउनलोड कर सकते हो और ढूंढ सकते हो आसानी से। और मैं इसे पर्सनली यूज़ करता हूँ, हालांकि इसका जो ये बग है कि जो ये इमेज यहाँ पर शो नहीं करती पहले से, ये मे बी जल्दी सही हो जाएगा। और ये सही हो जाए तो इसके बाद ये परफेक्ट वेबसाइट है स्टॉक इमेज, चाहे आप पेड वाला ऑप्शन यूज़ करें चाहे फ्री वाला यूज़ करें। तो बेसिकली वेबसाइट का ये काम है। और अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हो तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वेबसाइट कैसी लगी, आपको कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कोई भी आपका क्वेश्चन है इस वेबसाइट से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।